हिमाचल प्रदेश के पालनपुर गांव में हुआ था और ये 25 वर्ष की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। के पिताजी का नाम गिरधरलाल बत्रा था और इनकी माता जी का नाम कमलकांता बत्रा था। चंडीगढ़ में रहकर इन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की थी और इन्हें एनसीसी कैडेट के रूप में चुना गया था और बाद में इन्होंने सीडीएस की तैयारी शुरू कर दी थी। सीडीएस की दीक्षा पास करने के बाद विक्रम बत्रा को भारतीय सेना में चयन किया गया था और जम्मू कश्मीर राइफल्स लेफ्टिनेंट के पद पर इन्हें नियुक्ति दी गई थी। जम्मू और कश्मीर में हंप और राखी नाम की जगह को जीतने के बाद सेना के द्वारा विक्रम बत्रा को सैन्य टुकड़ी डेल्टा कंपनी का कैप्टन बना दिया गया। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच एक जंग शुरू हो गई थी और दुश्मन देश पाकिस्तान ने हमारी सीमा में घुसकर कई साल भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के सेनाओं के बीच एक जंग शुरू हो गई थी दुश्मन देश पाकिस्तान ने हमारी सीमा में घुसकर हमारे सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था जिनमें 5140 की एक था जिनकी जिम्मेदारी विक्रम बत्रा जी को सौंपी गई थी। इसी के साथ विक्रम बत्रा ने अपनी सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए निडरता के साथ दुश्मन की सेना और ठिकानों पर दावा बोल दिया। इसके बाद भारतीय सेना के जवानों और पाकिस्तान सेना के जवानों के भीषण लड़ाई चली। इस लड़ाई में पाकिस्तान सेना के 4-5 सैनिक मारे गए। रात भर की लड़ाई के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा ने 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर 5140 को अपने कब्जे में ले लिया और चोटी के कब्जे में लेने के बाद विक्रम बत्रा ने अपने अधिकारियों को रेडियो पर अपने रिक्वेस्ट और ये दिल मांगे मौत के साथ संदेश दिया कि हमने 5140 को अपने कब्जे में ले लिया है। यह संदेश सुनते ही विक्रम बत्रा का नाम भारत की तीनों सेनाओं में एक वीर सैनिक के रूप में छा गया। सेना ने इस विजय के बाद विक्रम बत्रा को शेर शाह और कारगिल का शेर नाम की